देखिए कल योगा दिवस, 10वां योगा दिवस कश्मीर के अंदर मनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए। डोगरा सदर सभा की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथियों ने सामने स्वागत किया, धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी के, वो यहाँ पर तशरीफ लाए और उसमें शामिल हुए। इसके साथ साथ जो उन्होंने कश्मीर की बात कही, जो अटल जी का रेफरेंस देते हुए कहा कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, तो वहाँ पर डोगरियत को क्यों भूल गए, इसका भी हमें शौक हुआ। तो ये वो जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी दुनिया जानती है कि ये स्टेट डोगरों ने बनाई थी, डोगरों ने बचाई, डोगरों ने चलाई। आज उसको भूल जाना, उस कल्चर को भूल जाना, जिन्होंने यहाँ के भाईचारे की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसको भूल जाना ठीक नहीं है। दूसरी हम ये बात करना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए, ये खुशी की बात है, हमें खुशी है क्योंकि कश्मीर हमारा है। लेकिन जम्मू का वो दुखदायक जो पार्ट है, जो एक एक ये दर्द भरा पार्ट है, उसको टच नहीं किया उन्होंने, वो है कि पूरा रामबन डूब रहा है, पूरे पहाड़ जा रहे हैं, रियासी की तरफ सारे जा रहे हैं, ज़मीन धंसती जा रही है, ये क्यों हो रहा है, कौन सी टीमें इसके लिए आई, क्या वजह है। और वो लोग बेघर हो गए, आज दर बदर हो रहे हैं, पूरे पूरे गांव खाली हो गए हैं, इन हालात में आज वो घूम रहे हैं। ये अंधेरा छाया हुआ है जम्मू सूबे के अंदर, उस तरफ भी ध्यान दें। और आज जो डोगरा सदर सभा ने अगला सीरियस मुद्दा जो आज आपके माध्यम से उनको उनके सामने रखने की कोशिश की है, वो है कि आप जानते हैं कि डोगरा बेसिकली देशभक्त कौम है, और इनके नौजवानों ने, इनके बुज़ुर्गों ने खून से सींचा इस रियासत को। और पाकिस्तान ने 47 से लेकर अभी तक जितनी जंगें थोपी हैं उसमें हार खाई है, हमारे यूथ ने मुकाबला किया है। उसने एक चाल चली यहाँ पर कम्युनल फसाद कराने की, गांव-गांव के अंदर उसने अजीब मिलिटेंट भेजे, सब कुछ होया, लेकिन लोग, हमारा यूथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब हार कर उसने खतरनाक चाल अब चली है, वो है ड्रग्स की। ये ड्रग्स को जो पूरे जम्मू में और ख़ासकर कंडियों में डाल दिया है, यहाँ यूथ का मुकाबला नहीं हो सकता था, आज उसको कमज़ोर करने के लिए, उनकी टांगों से जान निकल जाए उसके लिए एक बड़ी ख़तरनाक चाल ये ड्रग्स वाली चली है। आज वुमेन कॉलेज के नज़दीक आए, बॉयज़ कॉलेज के नज़दीक आए, स्कूलों के नज़दीक आए, पब्लिक प्लेसेस पर ड्रग्स ही ड्रग्स हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए कमर्शियल, सोशल, रिलीजियस जितनी सोशल संस्थाएं हैं, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इन्वॉल्व करने की, उनको साथ लेकर इकट्ठे मिलके एक प्लानिंग के तहत इसको फाइट करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर जम्मू का यूथ बिल्कुल कमज़ोर हो गया अपने अपने जगहों में, जिस तरीके से वो एक डर था, उनका भय था, वो ख़त्म हो गया, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते।